दोस्तों, जिस तरह से हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर कई सारी वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी पर आप डिमांड करते हैं हम उस पर एक वीडियो लेकर आते हैं, उन्हीं सब वीडियोस में जो कमेंट्स लगातार आपके आए कि महाराष्ट्र में अच्छी कुछ यूनिवर्सिटीज पर हम वीडियोस बनाएं, हालांकि हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर, ऐसे ही दोस्तों एक यूनिवर्सिटी सामने आती है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी। दोस्तों, कुछ नाम ऐसे होते हैं, ऐसी महान शख्सियत के नाम पर यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं जिस नाम को सुनने के बाद ही हमें लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी हैं, वो सेक्शन 2F 1956 का जो एक्ट बोलता है यूजीसी का, उसके तहत सब यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही है। आप इस यूनिवर्सिटी को कोई अलग से प्रोविजन में बनी हुई यूनिवर्सिटी ना समझे, जैसा अक्सर आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो पनवेल में स्थित है, पनवेल से भी थोड़ा सा आगे आपको जाना होता है जब भी आप कभी इस यूनिवर्सिटी को जाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां से 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा कैब से, अगर आप अपनी गाड़ी से आप जाते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो काफी बड़ी एक लैंड पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, कैंपस भी काफी बड़ा है इस यूनिवर्सिटी का, और भी कई सारी चीजें जैसे कि अप्रूवल्स कौन कौन से हैं इस यूनिवर्सिटी के पास, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है, किन कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है, किन कोर्स में यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले सकती, कौन कौन से अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हैं, और साथ ही यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर कहां चेक करोगे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिल में होते हैं जिनका सभी का जवाब दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में ये भी बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ और कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ इस यूनिवर्सिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं, और इस यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जहां आप एडमिशन ले पाएंगे अगर आप मुंबई में एडमिशन लेना चाहते हैं, महाराष्ट्र में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के बारे में जानने से पहले आप ये समझिए, नवी मुंबई पनवेल में यूनिवर्सिटी ये स्थित है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो यूजीसी एक्ट बोलता है 1956 का। हालांकि यूजीसी क्या है उस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं, बट जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टोटल चलती हैं उन्हीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह एक ये भी यूनिवर्सिटी है। टोटल देखा जाए महाराष्ट्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टोटल 22 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। उन्हीं 22 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अपने देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है यूजीसी बॉडी, और यूजीसी को रेगुलेट करता है एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से आप बोलते हैं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो यूजीसी को देखती है। हालांकि दोस्तों, डिस्टेंस के अप्रूवल लेने के लिए अब नैक अप्रूवल जरूर होना चाहिए यूनिवर्सिटी के पास, हालांकि इस यूनिवर्सिटी के पास नैक नहीं है। उन सब अप्रूवल्स को जानने के लिए पहले आप यूजीसी को देखिए। आप यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in, तो यहां पर एक यूजीसी का इंटरफेस खुल जाएगा वेबसाइट का, उसकी होम पेज खुल जाएगा यूनिवर्सिटी का। यहां पर यूनिवर्सिटीज का एक आपको टैब दिखेगा, जैसे यूनिवर्सिटीज पर आप जाएंगे तो नीचे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहां सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे, जितने भी स्टेट्स हैं अपने देश में, उन सभी में से एक महाराष्ट्र सेकंड लाइन में आप देखोगे, नीचे से ऊपर मणिपुर से ऊपर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र लिखा हुआ है। महाराष्ट्र पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो महाराष्ट्र में चलती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटीज की लिस्ट खुल जाएगी। 22 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है महाराष्ट्र में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और इन्हीं टोटल 22 यूनिवर्सिटीज में से एक नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का। चौथे नंबर पर आप देख पाएंगे इस यूनिवर्सिटी की डिटेल। चौथा नंबर मतलब कोई रैंक नहीं है, ये अल्फाबेटिकली जो नाम आया सी से वहां छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। यूनिवर्सिटी बनी है 2018 में, हालांकि इतना लंबा टाइम नहीं हुआ यूनिवर्सिटी को, 3-4 साल ही अभी यूनिवर्सिटी को हुए हैं। 9/8/2018 में, मतलब कि 9 अगस्त 2018 में यूनिवर्सिटी आई है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए पहले तो यहाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, www.csmu.ac.in, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ में ही मोर डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आने के बाद आपको डिटेल्स सामने आएंगे, जैसे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, मेल आईडी, साथ में फोन नंबर। वीसी साहब यूनिवर्सिटी के कौन है, प्रोफेसर डॉक्टर ए के सिन्हा, ये यूनिवर्सिटी के वीसी है, वाइस चांसलर है, इनका फोन नंबर और साथ में ही मेल आईडी यहाँ पर मेंशन है। साथ में ही रजिस्ट्रार साहब कौन है इस यूनिवर्सिटी के, रजिस्ट्रार है डॉक्टर आर पी शर्मा,
और इनका यहाँ फोन नंबर मेंशन है, साथ में मेल आईडी भी मेंशन है। आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है किसी भी यूनिवर्सिटी, सीधा आप डायरेक्ट वीसी और रजिस्ट्रार से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है क्योंकि आप सभी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, और कोई प्रॉब्लम होती है यूनिवर्सिटी को तो सीधा आप कंज्यूमर फोरम में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन इजीली आपको मिल जाएगा। ये तो दोस्तों कुछ डिटेल्स थी जो यूजीसी पर मेंशन है चीजें। यूनिवर्सिटी के पास और अप्रूवल कौन कौन से है, क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी बनती है, जब यूजीसी का अप्रूवल किसी यूनिवर्सिटी को मिलता है तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, यूजी पीजी प्रोग्राम्स और साथ में रिसर्च प्रोग्राम चला सकती है। मतलब कि पीएचडी में एडमिशन यूनिवर्सिटी ले सकती है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चला सकती है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी चला सकती है सर्टिफिकेट डिप्लोमा के साथ में। ऐसा प्रपोजल देती है यूनिवर्सिटी जब बनती है, और बाय डिफॉल्ट यूजीसी से जब अप्रूवल मिलता है तो ये सभी कोर्सेज को चलाने की मान्यता भी मिल जाती है। पर दोस्तों जितने भी काउंसिल कोर्सेज होते हैं वो काउंसिल कोर्सेज तब तक यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती जब तक उन काउंसिल से एफिलिएशन ना ले ले, अप्रूवल ना ले ले। यूनिवर्सिटी के जब आप जाते हो, इनकी साइट पर जाके देखते हो, जब आप यहां पर रिकॉग्निशंस में आप देखेंगे तो यहां अप्रूवल एंड एक्रेडिटेशंस में जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो मैंने अभी आपको बताया यूनिवर्सिटी कब से यूनिवर्सिटी बनी है, साथ में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब आप बी आर्क यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, साथ में ही फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, ये कोर्सेज करने के लिए, फार्मास्यूटिकल कोर्स करने के लिए फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना होता है। हमने डिटेल वीडियो बनाई है फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरह से काम करती है और किस तरह से एग्जिट टेस्ट अभी होने वाला है डी फार्मेसी पर, आप उस वीडियो को दोस्तों जरूर देख लें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको LLB करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो वहां पर आपको देखना होगा उसका BCI का अप्रूवल। 3 साल की लॉ करें या 5 साल की लॉ करें या फिर आप LLM करें 2 साल की, क्योंकि 1 साल की LLM अब नहीं होती है, इन सभी को करने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल आपको देखना ही होगा। हालांकि हम खुद भी जो एक कोर्स चलाते हैं जिसमें कि हम एडमिशन से लेकर इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन तक सब कुछ जो हम फैसिलिटी आप लोगों को देते हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे पास, जिन कोर्सेज में आप चाहें तो हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में एडवाइस जरूर कर देंगे। यूनिवर्सिटी के पास मेजर ये 4 ही अप्रूवल दिखाता है, खास कुछ अप्रूवल है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी हालांकि 3-4 साल हो गए यूनिवर्सिटी को, बट फिर भी बहुत सारे अप्रूवल्स जो अब तक आ जाने चाहिए थे वो सब अप्रूवल इस यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। तो मैं यूनिवर्सिटी को इतने बड़े लेवल पे तो नहीं कहूंगा कि मतलब जाएं और आप एडमिशन ले लें, यूनिवर्सिटी के सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स, लुभावने एडवर्टीजमेंट्स जो आते हैं उसको देखकर आप कभी एडमिशन ना लें। अगर आप कंपेयर करेंगे इस यूनिवर्सिटी को मुंबई में ही, तो DY पाटिल यूनिवर्सिटी वहाँ पर अवेलेबल है, DY पाटिल एक बहुत बड़ा नाम है, आप एडमिशन ले सकते हैं, संदीप यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पर, ऐसे मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आसपास, उनसे आप कंपेयर करें इस यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी थोड़ा डाउन नज़र आती है। हालांकि एडमिशन लेना या ना लेना वो आपके डिस्क्रिशन है, आप चाहें तो एडमिशन लें, बट आप कंपेयर जरूर करें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से, यूनिवर्सिटी का फ़ी कंपेयर करें। साथ में एडमिशन लेने से पहले कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैंपस विजिट ज़रूर करें, साथ में ही जो स्टाफ फैकल्टीज़ हैं उन फैकल्टीज से आप जरूर मिलें जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपको PhD ही करना है तो गाइड से जाके मिलिए ढंग से, आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं जाके स्टूडेंट से मिलिए, कैसा पढ़ा रहे हैं, प्लेसमेंट कैसा है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको देखनी चाहिए। आप किसी भी तरह की सपोर्ट चाहते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करने के लिए, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसके आसपास और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में आपको जरूर बता देंगे। साथ में अप्रूवल्स के बाद में अब आते हैं कोर्सेज पर, यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड कम्युनिकेशन, आप जब यहाँ पे आते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एंड आर्ट्स ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज। तो हालांकि ऐसा कुछ खास इन सभी कोर्सेज में इतना कुछ खास काउंसिल या प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, बट इन कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। साथ में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी में आप जब जाते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, साथ में ही एक और कोर्स जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग पे आप जाते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप देखते हैं अगर बीटेक करना है या एमटेक करना है तो AICTE का अप्रूवल देखते हैं। हालांकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनती है उन्हें AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कॉलेजेस को जरूरत होती है AICTE की। अगर यूनिवर्सिटी के पास नहीं है AICTE तो भी आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को AICTE की मान्यता की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कोर्सेज चलाए जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास जो कोर्सेज चलते हैं। जो मैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ इसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग,
साथ में ही डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ में ही डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, ये कुछ इन्होंने इस टीम के साथ डिसिप्लिन के साथ में डाले हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज को उन्होंने करवाते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ, जैसे मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ LLB यूनिवर्सिटी करवाती है। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी मतलब कि PCI का अप्रूवल जो मैंने आपको बताया। फैकल्टी ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज करवाती है। साथ में PhD यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है रिसर्च कराने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप यूनिवर्सिटी कोई भी हो, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आसपास की यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करना चाहिए उस यूनिवर्सिटी को, फी कंपेयर करना चाहिए, साथ में ही जाकर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि अभी तक जो पढ़ाया गया है यूनिवर्सिटी किस तरह से पढ़ा रही है, साथ में ही प्लेसमेंट्स जो होगी वो किस तरह से होगी। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से एडमिशन लेने आए हैं तो हॉस्टल्स को देखें। हालांकि इन सभी चीज़ों में हम आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। कोई भी एडवाइस चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या फिर हमें व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल जरूर मिलेगी। या फिर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है universityindia.in, वहां पर जाकर आप देखेंगे सब डिटेल्स और डिटेल में आपको जानने को मिल जाएगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों अगला वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं, किस कॉलेज पर चाहते हैं या क्या आप जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के बारे में, जो भी अच्छे कोर्सेज चलते हैं इस यूनिवर्सिटी में, हालांकि ज्यादा कुछ अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास है नहीं, बट जो बेस्ट कोर्सेज चलते होंगे उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे और आपके सब तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।